दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आप हमें उस रास्ते पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं जहां हम जाना नहीं चाहते। अब सवाल है कि आखिर हाईकोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी किस मामले पर आई है, तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि नगर निगम की आपसी खींचतान के चलते MCD के स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अभी तक किताबें नहीं मिल पाई हैं और वे टीन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य जज मनमोहन और जस्टिस प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज को जमकर खरी खरी सुनाई। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील शादान फरासात ने कहा कि उन्हें सौरभ भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि MCD की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी उपायुक्त प्राधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी, जो कि अभी हिरासत में है। इसको लेकर हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन ने सौरभ भारद्वाज को लेकर कहा कि उन्होंने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और वे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को लेकर कहा कि उन्हें कोई चिंता नहीं है कि छात्र स्कूल जा रहे हैं या नहीं, उनके पास किताबें हैं या नहीं, उनकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है, यहाँ सत्ता का अहंकार अपने चरम पर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को किताबों के बिना ही पढ़ने के लिए ही छोड़ दिया जाए। दिल्ली सरकार के वकील की दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि आपने कहा था कि मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी, आप हमें उस रास्ते पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं जहां हम जाना ही नहीं चाहते। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने अपने सामने आई जनहित याचिकाओं में कई बार ये कहा है, लेकिन यह आपके प्रशासन का फैसला है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें तो हम इस पर विचार करेंगे। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि वह सौरभ भारद्वाज का नाम भी ऑर्डर में शामिल करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि उपराज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की है। LG की ओर से गैर कानूनी तरीके अपनाने की वजह से MCD की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने के लिए LG VK सक्सेना जिम्मेदार है। स्टैंडिंग कमेटी न बनने की वजह से ही MCD का काम रुका है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत के साथ। नमस्कार।